ये क्या खा रहा है तू? भाभी मुझे भूख लग रही थी। अच्छा, तो महाराज को भूख लग रही थी। तुझे पता है खाना मैंने तेरे भैया के लिए बना के रखा था ना, कि तेरे लिए? झूठा कर दिया तूने, वो क्या खाएंगे? मुझे और कुछ पड़ा हुआ दिखा नहीं, किचन में तो मैंने यही उठा लिया। आंखों का इस्तेमाल करता ना तो तुझे दिख जाता। कल रात का बासी खाना पड़ा था, वो खा लेता। लेकिन नहीं, तुझे तो आदत है ना पॉकेट का खाना खाने की। वो तो खराब हो रहा था ना। अगर इतने ताजा खाना खाने का शौक है ना तो जाके पहले कमा। तो भाभी जब मेरी कमाने की उम्र हो जाएगी तो मैं कमा लूंगा ना। कमाने की कोई उम्र नहीं होती, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है ना तो इंसान को खुद कमाना सीख जाना चाहिए। तेरे भैया नौकर नहीं लगे तो सबके लिए कमाएंगे। अब जाओ और अपने लिए नौकरी ढूंढ। इतना बोलने के बाद तो ना किसी को जाके मर जाना चाहिए, लेकिन यह है कि यहीं पड़ा रहता है। इस धरती के बोझ को भी हमारे सर पर छोड़ गए हैं लोग। अब एक काम करती हूँ, उनके लिए ब्रेड सेक देती हूँ, और कुछ तो कर नहीं सकती। पता नहीं भाभी चिढ़ती क्यों है मेरे से इतना। मैं तो उन्हें कुछ बोलता भी नहीं, ना ढंग से खाना खाने देती है ना कुछ। जब मेरी उम्र होगी कमाने की, मैं कमा लूंगा ना, कोई समझता ही नहीं है। अरे जस, क्या हुआ? उदास कैसे बैठा है? कुछ नहीं हुआ भैया। भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं तेरा चेहरा पढ़ सकता हूँ, सच बता क्या हुआ? अरे भैया, वो आज ना ट्यूशन की फीस भरनी थी और कुछ नई बुक्स लेनी थी तो पैसे चाहिए थे। अरे फिर तू अपने बड़े भाई को बता नहीं सकता? भैया अब ना मेरी हिम्मत नहीं होती आपसे पैसे लेने की, कब तक आपसे लेता रहूँगा? अरे छोटे, कैसी बात कर रहा है? तू मेरा छोटा भाई है और तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरी जिम्मेवारी है। कितने पैसे चाहिए? 5,000 देने थे। चल ठीक है, ये रख और अपनी फीस भी भर दे और अपनी बुक्स भी ले आइयो। ठीक है, और अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। चल वो पैसे निकाल जो तेरे भैया तुझे अभी देकर गए। पर भाभी वो तो भैया ने मेरे को ट्यूशन की फीस के दिए हैं। हमें क्या पता तुम पैसों का क्या करते हैं क्या नहीं। जब देखो बहाने से ट्यूशन के फीस के पैसे ले लेगा। तुझे कितनी बार कहे अपना कमाओ और अपना जो मर्जी कर, मैं फिर तुझसे कोई हिसाब नहीं मांगूंगी। भाभी मैंने आपको कितनी बार तो बोला है, जब मेरा टाइम आएगा मैं कमा लूंगा ना। तेरा टाइम आने तक ना तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं कितने अच्छे सपने देख कर आई थी कि इस घर में महारानी की तरह रहूंगी, लेकिन तेरी तो नौकर बनाकर रख दिया मुझे। तो भाभी मैं भी तो उनका छोटा भाई हूँ, अगर वो मेरे को पैसे दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो अब तू इतना हो गया कि मेरे आगे जबान लड़ाएगा? और खबरदार जो अपने भैया को इस बारे में कुछ भी बताया तो। अभी तो मैं तुझे कुछ नहीं कह रही, लेकिन उसके बाद मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी तू याद रखेगा। Thank you.
हाँ जी एकता बोलता मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो एक बार आप ना मेरा लंच पैक कर दो, मैं लंच लेके जल्दी निकल जाऊंगा। ठीक है मैं कर देती हूँ, कर दो जल्दी, मैं 5 मिनट पे आ गया। ठीक आज अच्छा मौका है, इसे घर से निकलवा ही देती हूँ। जश। हाँ भाभी। जश मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम सर दबा दोगे? हाँ दबा देता हूँ। क्या कर रहे ये, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी भाभी के साथ कोई ऐसे करते है क्या? मैंने क्या कर दिया भाभी? क्या हो रहा है ये? अच्छा आप आ गए, देखो मैं कैसे बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। जस क्या हरकत है ये, क्या चल रहा है यहाँ पे सब? भैया मैंने कुछ नहीं करा। जुबान लड़ाता है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी भाभी के साथ ये सब करेगा। भैया मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो सिर्फ सर दबा रहा था। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ ये ऐसे ही कर रहा था, मैंने आपको कहा था ना इसको इतने पैसे मत दिया करो, ये बाहर जाके भी अय्याशी करता होगा, और देखो ना आज इसने घर में भी। तूने मेरे लाड प्यार का, मेरे विश्वास का ये सलूक दिया, आज मैं तुझे, तूने मेरे प्यार का ये सलूक दिया, निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से, कोई हक नहीं है तुझे इस घर में रहने का।